नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं विप्लव कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सफलता की कहानी सीरीज में जिसे मिलवाने जा रहे हैं वो है कल्पना जी, जिन्होंने कठिन मेहनत करके अपने घर और परिवार को भी संभालते हुए, अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए NTA द्वारा आयोजित नेट और GRF की परीक्षाओं को इन्होंने पास किया है। हिंदी साहित्य में एक कठिन मेहनत, हार्ड वर्क जीवन में सफलता की एक नई सीढ़ी साबित होती है, उसी के उदाहरण हैं कल्पना जी। और कलाम जी के जो थॉट है उनको मैं बताते ही रहता हूँ, अपने छात्रों को भी कहता हूँ कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। जीवन में जो भी सूरज की तरह जलते हैं वही सूरज की तरह चमकते हैं। उसी के उदाहरण हैं हमारे छात्र और छात्राएं, जिन्होंने कठिन मेहनत करके जीवन में शानदार सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर आप भी जीवन में सफलता चाहते हैं तो एक बार जरूर जुड़े। सबसे पहले सवाल है कल्पना जी, आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइए, किस तरह आपकी प्रारंभिक शिक्षा रही, जीवन में किस तरह आपने आगे बढ़ा। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मेरी जो 10th की एजुकेशन हुई वो 97 में हो गई थी सर। उसके बाद शादी होने के बाद सर मेरी पढ़ाई छूट गई। उसके बाद सर मैंने 2012 से अपनी एजुकेशन स्टार्ट की और 12 में ही मैंने 12th पास किया। फिर सर उसके बाद 12 साल गैप, मतलब 13-14 साल गैप के बाद। जी सर, बिल्कुल। फिर सर यही अपना घर परिवार संभालती रही। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम कर सकते हो। तो सर उसके बाद मैं धीरे धीरे पढ़ती रही, गिरती रही, संभलती रही सर। कभी 3 बार मैंने पहले MA के लिए एंट्रेंस दिया सर, उससे नहीं हो पाया। फिर 3री बार में मुझे सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में सफलता मिली और मैंने MA किया। फिर 19 में सर मेरी MA कम्प्लीट हुई और उसके बाद मैं नेट के लिए सर मैं 3 साल तक कोशिश करती रही। फिर सर मैं एक दिन ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी, मैंने आपकी वीडियो देखी सर, तब मुझे समझ आया कि साहित्य ऐसा भी होता है और मैं शायद आपसे अगर पढ़ूंगी सर तो शायद सर मुझको सफलता मिलेगी। और सर वो सफलता मुझे मिली। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कल्पना जी आपका बीच में 10th के बाद 15 साल का गैप हो गया। जी सर, 97 और 2012। तो मैं जो भी मतलब दर्शक देख रहे हैं वो भी इनसे सीख ले सकते हैं। जीवन में मेरे इंटरव्यू रखने का यही उद्देश्य है कि जो भी ये सोचते हैं कि हमारा गैप 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जीवन में 15 साल गैप के बावजूद भी इन्होंने शानदार सफलता पाई है, अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू किया है। आपने देखा ही किस तरह 15 साल गैप के बावजूद भी आगे बढ़े। कल्पना जी, जो पारिवारिक जीवन में होते हैं, मैं खास करके हमारे पास जो भी छात्राएं हैं वो पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई है, वो बहुत परेशान रहती है कि सर मेरे पास समय नहीं निकलता है। तो आपने परिवार को संभालते हुए किस तरह समय निकाला, आप जरूर बताइए। सर सबसे पहले तो ये है कि आपकी क्लासेस लेने की वजह भी यही थी और आप सर मोटिवेट भी इसी तरह से करते हैं कि अगर आप घर का काम भी कर रहे हो ना सर तो भी हम आपकी क्लास ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, आपको आपके पढ़ाने का तरीका ही सर इस तरह से है कि ये नहीं कि नहीं हमें परिवार से हम हट जाए और फिर पढ़े सर। मतलब कहने का मतलब है आप 24 घंटे पढ़ सकते हो, हर चीज में पढ़ाई ढूंढ लो। जी सर, सर ये सबसे अच्छी बात है सर, आप अगर काम करें उनके साथ भी आप अपनी पढ़ाई को जोड़ सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने कोचिंग ज्वाइन करने से पहले और ज्वाइन करने के बाद क्या बदलाव देखा साहित्य के नजरिए में? सर सच, पहले मैं साहित्य सर वही किताबों को पेज पलटते रहो और आप देखते रहो कि क्या है क्या है। सर इतना टेंशन हो जाती, इतना बोरिंग हो जाता है ना सर, यही समझ नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन सर जैसे आप पढ़ाते गए या मैं पढ़ती गई सर, हर चीज इतने अच्छे से क्लियर होती चली गई कि आपको अगर आप एक बार आपसे पढ़ते हैं और उस क्लास को फिर दोबारा से देखते हैं
तो सर आपको इतना माइंड में इतने अच्छे से सेट हो जाती है कि आप कभी नहीं भूल सकते हो सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूछना चाहूंगा खास करके हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य में आपने किस तरह तैयारी की टॉपिक को लेकर के, कुछ बताना चाहेंगे? सर जैसे अभी मैं पहले से ही पढ़ती थी नाथ साहित्य, आदिकाल को ले लीजिए सर। आदिकाल का सर ये है, जब तक आप जानेंगे ही नहीं कि क्या क्या उसके अंदर था क्या नहीं था, तो वही सर मैं नहीं जानती थी, बस यही अपना रटे जा रही थी। तो शायद मुझको सर इसी वजह से सफलता नहीं मिली थी। लेकिन सर जैसे आपने एक एक चीज एक एक पॉइंट को सर, आप चाहे आपको दो क्लासेस हो जाए सर एक पॉइंट को समझाने के लिए, आप इतने अच्छे से समझाते हो सर, तो साहित्य एक ऐसा बन जाता है कि आपकी जिंदगी से जुड़ जाता है और आप इतने अच्छे से समझ पाते हो सर। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से हल कर सकते हो सर। बिल्कुल। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, कल भी मुझे फोन आया था, मतलब एक लेडीज की, बड़ी परेशान थी, सर मेरा 6-7 साल गैप हो गया, आपका तो 15 साल गैप हो गया, फिर भी आपने आगे बढ़ गया, तो उन छात्रों को जो लगातार 3-4 बार से एग्जाम भी दे रहे हैं, या फिर जिन्होंने 10-15 साल गैप कर दिया है, जिनके मन में अभी डर बैठ गया है कि हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें कोचिंग जोड़ने से फायदा होगा कि नहीं होगा, ऐसे छात्रों छात्राओं को आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे ये था कि मैं आपसे जुड़ने से पहले सेम यही डर मेरे मन में था। मेरे मन में ये था कि शायद नेट मेरे लिए या मैं नेट के लिए नहीं बनी हूँ सर, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सर जैसे जैसे मैं आपसे क्लासेस लेती रही, मुझे लगता रहा कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ सर, मैं सब कर सकती हूँ। तो सर सब कोई नेट कर सकता है, लेकिन शर्त एक होगी सर, वो आपसे जुड़े और आपकी क्लासेस को ध्यान से सुने। ऐसा नहीं कि घूम रहे, वो एक तो हो गया सर, हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, वो काम करें और क्लासेस लें, वो बात अलग होती। लेकिन सर ये नहीं कि हम क्लासेस ले रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं और फिर ये सोचे कि हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, तो ऐसे तो नहीं होगा सर, थोड़ा मेहनत तो जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। खास करके मैं जो देखता हूँ, मैं सामान्य चीजों पर बात करता हूँ जिससे सुनने वाले भी कुछ सीख ले। खासकर मैं देखता हूँ जिनके 2-3 बच्चे होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे आपके भी बच्चे 9-10th में चले गए, औरों के भी बच्चे 9-10th में चले जाते हैं, उनके जो फैमिली वाले होते हैं वो कहते हैं आप तुम क्या पढ़ के करोगे, तो जो है अब बच्चे को पढ़ो। जो एक मतलब एक हर इंसान के मन में जो एक डेडिकेशन होता है, एक लक्ष्य होता है, जो एक लालसा होता है, उसको वो मार देती है। खास करके मैं महिलाओं में देखता हूँ, उड़ने की जो चाहत होती है, उड़ने की चाहत को रोक दिया जाता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और सर मेरे हस्बैंड मेरे परिवार सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें भी करना चाहिए सर। सर मैं उनका बहुत थैंक यू करना चाहूंगी सर, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और अभी भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं तुम्हें आगे भी करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कल्पना जी, मैं तो आप जानते हो मुझे, मेरे से जो भी एक बार जुड़ जाते हैं चाहे वो 10 साल पुराना ही क्यों ना हो, मैं बीच बीच में मैसेज जरूर छोड़ देता हूँ। अभी भी हमारी बात हो रही थी, मतलब 5 साल पुराने बच्चों से मैंने मैसेज कर दिया, तो वो बोलते हैं सर आप कितने मतलब हो कि आप मुझे अभी भी याद रखे हो। तो ये लगता है कि नहीं, अगर हम मैसेज करते हैं तो कम से कम उनमें एक जोश आ जाता है फिर से आगे बढ़ने की। और नेट एक अंत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप जरूर परमानेंट प्रोफेसर बनिए, जरूर बनेंगे। थैंक यू सर। देखिए कि जब आप गैप के बावजूद भी ये स्टेप पार कर लिए तो अगले स्टेप भी पार करेंगे। मैं सबके लिए जो भी देख रहे हैं दर्शक सबको कहता हूँ, अगर जीवन में आप कुछ करना चाहते हो आप आगे बढ़िए, निगेटिविटी को निकाल दीजिए, और ये जो निगेटिविटी है, परिवार है, बच्चे हैं, समाज है, सबको साथ लेकर भी आप चल सकते हो। यही बात हमारी चारू से भी हो रही थी, और भी बच्चों से मैं यही बात करता हूँ कि अगर आप कर सकते हो तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बस हमें कि समय को मैनेजमेंट करना है ना। और खास करके जो बच्चे 3-4 साल 4 बार नेट दे दिए हैं फिर भी उनका अभी तक नेट नहीं हुआ है, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? सर मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर सीरियसली कोई पढ़ना चाहता है, एक ये हो गया कि ऐसे ही
एग्जाम दे रहे हैं, अपना समय निकाल रहे हैं उनके लिए नहीं सर, लेकिन जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो एक बार आपकी डेमो क्लास ही लेकर देखें सर। सर एक बार वो लेकर देखें तो उनको पता चल जाएगा कि उनको करना क्या है और वो कैसे सफलता पाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उन बच्चों से कि ऐसे ही अपना समय बिल्कुल वेस्ट ना करें और एक बार आपकी क्लास लेकर देखें सर। जरूर जरूर। अच्छा, आप कोडिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे सर पूछता हूँ क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछता हूँ। ये कोडिंग ही तो चीज है सर जो आपको आपके परिवार मतलब सब चीजों से मिला देती है सर। आप अपने फैमिली के साथ भी टाइम बिता सकते हैं इस कोडिंग के जरिए सर। कैसे? आपके पास आपके बच्चे हैं या हस्बैंड, आप उनसे बोलोगे चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। बिल्कुल। सबसे मेरी जो पहली कोडिंग थी जो मैंने आपकी यूट्यूब से देखी थी, प्रेमचंद वाली, जिससे मैंने सोचा अरे ऐसे भी सीखा जाता है सर, तो मैं आपको वो कोडिंग सुनाती हूँ सर। जैसे प्रेमचंद जी जो थे वो उनकी जो बेटी थी वो बड़े घर की बेटी थी, जो नमक के दरोगा थे उनको क्या होता है सज्जनता का दंड मिलता है। वो फिर जब उनको सज्जनता का दंड मिलता है तो वो ईश्वरीय न्याय के लिए जाते हैं दुर्गा के मंदिर में। वहां पर तवा से गेहूं साफ कर रही होती है बूढ़ी काकी, और उनका जो पोता होता है सर वो क्या कर रहा था, शतरंज का खिलाड़ी होता है जो शतरंज का खिलाड़ी होता है जो मुक्ति मार्ग चाहता है मुक्त धन से सर, उसको फिर सौभाग्य के कोड़े पड़ते हैं। आगे भी सुना दो सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब ये फेवरेट कोडिंग था चारू ने, कोडिंग बड़ा फेवरेट उनका था बच्चे। और एक और सर, जैसे राम भक्ति उसमें आ जाता है, रामानंद, ईश्वर दास, हरदय राम के, तुलसीदास, केशव वग्र सेनापति, प्राण नाभा के, माधव दास सर, इसमें हमें पूरी राम भक्ति के जितने सब याद हो गए सर। मेरी बहुत सारी फेवरेट है सर, अज्ञे की भी है, उसको जब अज्ञे की भी बहुत सारी फेवरेट है सर मेरी, मतलब मैं क्या बताऊं अब तो ये लग रहा है। और मतलब कि संपूर्ण साहित्य दिमाग में घूमते रहता है, जिनको हाँ निकालना हो फट से निकाल लो। पहले कुबेरनाथ राय की वो भी सर, वो मुझे मतलब मैं अगर मार्केट जा रही हूँ कुछ सामान लेने जा रही हूँ ना सर, क्योंकि फैमिली से सर वो भी सब कुछ करना, तो सर ऐसी सारी चीजें आपके मन में अब घूमती रहती हैं। एक बार सर मैं बताऊं, मार्केट जा रही थी तो मैं जैसे सब्जी लेने वाली थी तो मैं उसको कोडिंग में बात कर रही थी सर, मुझे सोचा रही मैं ये क्या कर रही हूँ सर, तो कोडिंग सर इस तरह से फिट हो जाती है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जुड़ जाती है सर। बिल्कुल, तो मैं कहता भी हूँ कि संपूर्ण साहित्य को एक नए दृष्टिकोण से देखना, जिस चीजों को याद करने में साल दो साल पांच साल बाद भी परफेक्ट नहीं होता है वो चीज, मतलब एक लाइन के माध्यम से फिट हो जाता है ना सर। आपकी कोडिंग बहुत बहुत बेस्ट है सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने सहायक लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आपने शानदार सफलता पाई, मुझे लगता है जीवन में ये बहुत बड़ी सफलता है। बहुत सारे लोगों को लगता है जब पास हो जाते हैं तो उनको लगता है ये कुछ भी नहीं, लेकिन पलट के ये देखो जब आप पास नहीं थे तब कैसा महसूस करते थे। इसलिए हर सफलता में खुश होना बहुत जरूरी होता है। मैं हर बच्चों से, हर छात्रों से सबसे कहता हूँ कि खूब खुश होइए और जीवन में आगे बढ़िए। तो आप अपने सहायक जो भी जीवन में आपके मददगार रहे हैं उनके उनके बारे में जरूर अंतिम में आप कुछ बोलें। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी सर, आपके बिना तो ये संभव नहीं था सर, और सर मेरी पूरी फैमिली के लिए थैंक यू सर, और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मेरे हर समय हर पल मेरा साथ दिया सर, और मुझ पर विश्वास रखा सर कि हाँ मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं उनका थैंक यू बोलना चाहूंगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी, आपने समय निकाला। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज की कहानी में, सफलता की कहानी में आपने देखा कि जीवन में इंसान अगर चाह ले ना, मैं बार बार इन बातों की चर्चा करता हूँ, जहाँ चाह है वहाँ राह है। कभी ये ना सोचे कि हमारा 10 साल गैप हो गया, 15 साल गैप हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। पिछले क्लास में मंजू जी का 14 साल गैप था और आज के इंटरव्यू में हमें पता चला कि कल्पना जी 15 साल गैप करते हुए भी आगे बढ़ सकती है, तो फिर आप क्यों नहीं? और दोस्तों, समय कोई मायने नहीं रखता है, पढ़ाई के लिए कोई उम्र का मोहताज नहीं होना चाहिए। जो मुझे पर्सनल लगता है, अगर आप भी जीवन में उड़ना चाहते हैं,
आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक बार जरूर जुड़े और जुड़ के देखे, 8 से 10 क्लास तो हमारे यहाँ फ्री ही होता है, पढ़ के देखे जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर से हम नए चेहरे के साथ मिलेंगे, फिर मैं उनकी जिंदगी की कहानी को आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।